इस भीड़ के बीच खाकी कमीज पहने अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे शख्स कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के SDM हैं, जो नाराज भीड़ के कोप का शिकार बनते बनते रह गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी के हत्याकांड के बाद से ही यहां लोगों में उबाल देखा जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह सड़क जाम और उपद्रव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आरोप कुलदीप साहू नाम के शख्स पर है, जो स्थानीय कांग्रेस नेता बताया जाता है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि यह आदतन अपराधी है। इसी पर आरोप है कि इसने हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी को घर में घुसकर खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं, इसने हेड कांस्टेबल तालिब शेख पर भी खौलता हुआ तेल डाल दिया। घटना का खुलासा होते ही इलाके में तनाव फैल गया। नाराज लोगों की भीड़ ने आरोपी कुलदीप साहू के घर में भी आग लगा दी। हंगामा बढ़ता गया तो खुद सूरजपुर के SDM लोगों से बात करने और समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन इस घटना से तिलमिलाए लोगों ने SDM पर ही हाथ छोड़ दिया। इससे पहले कि वे और पिटते, उन्होंने वहां से भाग निकलने में ही भलाई समझी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी कुलदीप साहू ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लाश को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। शव अर्धनग्न हालत में मिले हैं। घटना के बाद आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से भाग निकलने में सफल रहा। घटना से गुस्साए शहरवासियों ने शहर बंद कर दिया और आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। नाराज भीड़ ने आरोपी के घर पर धावा बोल दिया। हालांकि इस घटना से पहले ही आरोपी के घर वाले वहां से जा चुके थे। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।